हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वी लर्न अबाउट दी पोरिफेरा इन दिस वीडियो यस हम लोग ने प्लांट किंगडम खत्म किया था हमने एनिमल किंगडम के बहुत सारे कॉमन टर्म्स को रिवाइज किया था एंड आई होप की अगर आपको वो टर्म्स क्लियर हो चुके हैं तो अब आप कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई भी फाइला बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करिए या फिर मैं आपके लिए लिंक ऊपर टॉप पे दे दूंगी आप जाके वो वीडियो भी जल्दी से देख लें समझ लें क्योंकि उसके बाद सारे फाइलों को लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा ओके okay, तो हमारा जो सबसे पहला फाइला है दैट इज पॉरीफेरा ऑफकोर्स पॉरीफेरा पॉरीफेर के बारे में पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा कौन होते हैं इनके नाम से पता चल रहा है आप गेस कर सकते हैं कि हम जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी बॉडी पे डेफिनेटली पोर्स होंगे तो यस हम उस फाइला के बारे में पढ़ रहे हैं उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये जो कैटेगरी है इसे कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है स्पॉन्जेस से मतलब आप देख सकते हैं आपकी डेली रूटीन में हम जो स्पॉन्ज यूज करते हैं वो स्पॉन्ज कैसा होता है कि वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और एक ही सेकेंड में सभी पानी को जो भी उसके अंदर लिक्विड है उसको छोड़ भी सकता है उसकी पूरी बॉडी में स्पॉन्जेस प्रेजेंट है यानी कि पोर्स प्रेजेंट है छेद प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में तो सिमिलरली जैसे वो स्पॉन्जेस होते हैं ठीक है जिनका यूज़ किया जाता है कोई भी बर्तन को धोने में या फिर एक बहुत डिफरेंट टाइप के स्पॉन्जेज आते हैं कई स्पॉन्जेस यूज किए जाते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में तो एग्जैक्टली बिल्कुल अपनी स्पॉन्जेस की तरह ये एनिमल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जिनके थ्रू पानी एंटर या एग्जिट कर सकता है नाउ अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करती हूँ तो क्या है ये मोस्टली मरीन होते हैं यानी कि ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जिला जो कि हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है ये ससाइल होते हैं इनका जो अडल्ट फॉर्म है ये ससाइल होता है यानी कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है लेकिन अडल्ट बहुत सॉरी लेकिन इनका जो लार्वा फॉर्म है वो मोटाइल होता है यानी कि वो एक्टिव फॉर्म होता है ना ये सॉलिट्री भी हो सकते हैं ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं इनके चॉइस के अकॉर्डिंग अगर मैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में तो इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है हर सेल अपने आप में ही डिपेंड है वो इंडिपेंडेंट है बाकी उनसे तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्युलर है ठीक है यानी ये सबसे प्रमेटिव फाइला कहलाएगा और ये रखा जाता है पैराजोआ की कैटेगरी में अब पैराजोआ क्या है तो पैराजोआ एनिमिलिया जो किंगडम है उसमें दो तरीके के कैटेगरीज हैं पैराजोआ

आप इनकी बॉडी में एक भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसको कट करने से मुझे इनकी बॉडी सिमेट्री में लगे या इनकी बॉडी को मैं इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर सकूं एक भी ऐसा प्लेन नहीं है एक्सेप्ट ल्यूकोसोलैनिया जो रेडियल सिमेट्री शो करता है यानी मैं कह सकती हूँ कि जो ल्यूकोसोलैनिया है ये पौरी का लास्ट एनिमल है क्योंकि इसके बाद सीलन यानी कि रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं ओके जॉम लेयर्स जॉम लेयर्स की बात हमने करी थी है ना इनके बॉडी जो होती है जब डेवलप हो रही होती है एम्ब्रियो से एक प्रॉपर बॉडी बन रही होती है तो इनके जो सेल्स होते हैं ये कुछ लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं इनकी बॉडी में वैसे सिर्फ दो लेयर्स बनते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है डिप्लो राइट आई होप ये टर्म्स आपको पिछले वीडियो से बहुत क्लियर होंगे अगर नहीं है तो मैं अभी भी कह रही हूँ प्लीज गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट नाउ अगर मैं पॉरीफेरिंस की बात करती हूँ अब सिर्फ उनके स्पेसिफिक करेक्टर की बात करती हूँ कि उनका बॉडी वॉल कैसा है तो देख सकते हैं कि इनके जो स्केलेटन होती है ये स्पिक्यूल से बनी हुई होती है स्पिक्यूल्स यानी कि इनकी बॉडी में ऐसे नुकीली चीजें प्रेजेंट हैं जो आउटर स्किन या स्केलेटन पे रहती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें दूसरे प्रिडेटर से ठीक है इनका जो दो तरीके की लेयर हैं आउटर लेयर को हम पिनाको कहते हैं इनर लेयर को हम चेनोसाइट या चेनोडोम कहते हैं ठीक है आप डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं ये डायग्राम बहुत क्लियर है देख सकते हैं ये देखिए ये रहा चेनोसाइट यानी कि इनर लेयर यहाँ पे जो बन रही है ठीक है और जो आउटर लेयर होती है ये वाली ठीक है ये वाली आउटर लेयर दिस इज नोन एज लेकोडोम पिनेकोडोम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे दो लेयर दो जो टाइप की सेल्स देखी जाती हैं पिनेकोसाइड्स एंड पोरोसाइड्स पोरोसाइड्स होती हैं पोरो यानी कि पोर्स तो ये वो सेल हैं जो पोर्स क्रिएट कर रही हैं बॉडी में पोर्स को डेवलप कर रही हैं और अगर मैं पिनेकोसाइट की बात करती हूँ तो ये फ्लैक्ट सेल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन के लिए ये स्पिक्यूल्स जनरेट करवाती हैं ठीक है ये छेद करने जैसी नुकीली चीजें बनाती हैं जो दूसरे प्रिडेटोर्स को हार्म कर सकें तो दो तरह की, की सेल हमें देखने को मिल रही है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इनर लेयर जो इनर लेयर यानी कि चेनोसाइट चेनोसाइट में कॉलार सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे की पूरी स्पॉन्जो सील को लाइन करके रखते हैं स्पॉन्जोसील क्या है इनकी बॉडी में एक किविटी है जिसको ये देख सकते हैं आप ये जो वाइट पोर्शन है ना पूरा वाइट पोर्शन पूरा ये है हमारा स्पॉन्जोसिल और इसे लाइन करके रखा है कॉलार सेल्स ने ठीक है इन दोनों लेयर के बीच में यहां पर ये जो ब्राउन आपको दिख रहा है ब्राउन पोर्शन जिसे इन्होंने हील लिखा है इट इज नोन एज मेस इन काइमा टू ठीक है इन दोनों लेयर्स के बीच में मेज इन है क्योंकि ये डिप्लो है तो इनके पास दो ही लेयर्स हैं आउटर लेयर जो हो गया इट इज पिनोडोम जो इनर लेयर है इट इज चेनोडोम अब इसके बीच में ठीक है यहां पे जेलेटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट है जेलेटीनियस यानी कि नॉन सेल्युलर है वहाँ कोई सेल नहीं है जेलेटीनियस मैट्रिक्स है और इसे हम हाँ, मेसन कायमा कहते हैं इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वो कहलाते हैं एमेबोसाइट क्यों कहते हैं हम इन्हें एमेबोसाइट एमीबा क्यों कहा जाता है क्योंकि उनकी कोई शेप नहीं होती सिमिलरली यहाँ जो सेल है उनकी कोई शेप नहीं है डिफरेंट शेप्स के हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसीलिए कंबाइनली हम इन्हें कह सकते हैं कि एमेबोसाइड्स प्रेजेंट है बहुत सिंपल ठीक है तो ये है इनका बॉडी वॉल नाउ अब मैं इनके वॉटर कैनाल सिस्टम की बात करती हूँ जो इनके लिए खास है इनकी बॉडी में बहुत ही स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक है इनका वॉटर कैनल सिस्टम इनकी बॉडी में तीन मेन पार्ट है ऑस्ट्रिया यानी कि वो पोर्स जो बॉडी में प्रेजेंट है जिनसे पानी एंटर या एग्जिट करता है ठीक है जिसका डिस्कशन बिल्कुल ही स्टार्टिंग में मैंने कर दिया था स्पोन जो सील बॉडी कैविटी जो अभी अभी आपने पिछली स्लाइड में देखी है एंड ऑस्कुलम एक ऑर्गन जिससे जो बॉडी में जरूरत नहीं है वेस्ट मटेरियल वहां से इजेक्ट किया जा सके वहां से रिमूव किया जा सके इसे कहते हैं औस्कुलम ऑस्कुलम आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है ये जो टॉप में दिख रहे हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ये ऑस्क्यूलम हैं बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पूरी बॉडी में छोटे छोटे से छेद हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं यहाँ से पानी एंटर लेता है कहाँ जाता है ये जो कैविटी आप देख रहे हैं इसमें रहता है ठीक है और फिर हेल्प करता है डाइजेशन में रेस्पिरेशन में ठीक है फूड गैदरिंग में और फिर लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेकर वो वाटर बाहर निकल जाता है ऑस्क्युलम से

एक एनिमल की बॉडी पे दोनों ही सेक्स के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे ठीक है मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगा ये ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एज बाय फ्रेगमेंटेशन और क्योंकि अगर ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो आई कैन से कि इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन भी प्रेजेंट है जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यानी कि इनका लार्वा जो है इनके अडल्ट से बहुत डिफरेंट है राइट इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये सब मेरी पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कर रखे हैं प्लीज गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार क्योंकि वहाँ पे मैंने इन टर्म्स को बहुत डिटेल में समझाया है सो दैट्स इट स के बारे में आपको यही नॉलेज रखने की जरूरत है आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है मोस्टली देखिए आपको एडवांस करेक्टर्स लर्न करने होंगे हर फाइला में पॉरीफेरेंस सबसे प्रमेटिव है तो अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो अब आप फिर कनेक्ट कर करके बाकी के जो नाइन फाइला है उन्हें कवर कर ही लेंगे हर जो फाइला होता है उसमें बस ये ध्यान रखना है कि उनके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेर में वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा ये किसी और में है ही नहीं ऑस्टिया ऑस्किलम स्पॉन्जोसिल किसी में है ही नहीं हम इन्हें स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए हम इनके इनके लिए जो पोरीफेरा का नाम है वो क्यों है सिंपल इनकी बॉडी में पोर्स हैं इसीलिए हमने इन्हें पॉरीफेर का है तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी सा टॉपिक है आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू बाय